तो दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग आपके लिए जो है साइंस वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री इस सीरीज में चल रहा है, और आपका जो बायोलॉजी है वो वाला सीरीज भी आपका स्टार्ट हो चुका है, बायोलॉजी का सीरीज। तो आप मान के चलिए कि पूरा साइंस जो है यहाँ पे आपका कवर किया जा रहा है। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप इतना कर लेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि टोटल जितना भी अभी तक कंसेप्ट पूछे जा चुके हैं एग्जाम में रेलवे से रिलेटेड, ज्यादातर जो है इसमें रेलवे का ही क्वेश्चन है। तो जो भी रेलवे अभी तक पूछ चुका है, जैसे ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, जेई हो गया, तो जितना भी कंसेप्ट पूछ चुका है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। तो देखिए, कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों साथ साथ में कराए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है सीख सकेंगे, और आने वाले एग्जाम में जो है आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो उसी को देखते हुए कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ये सीखने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखते हुए आज हम अपना सीरीज जो है फोर्थ सीरीज लाए हैं आपके सामने। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, और ये पैटर्न भी जो है आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और यहाँ पे साइंस का पूरा कवर कराया जाएगा, और एनटीपीसी के लिए भी आपका जनरल अवेयरनेस की क्लास भी बहुत जल्द ही चालू करने वाले हैं हम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये 5.4 किलोवाट आवर दिया गया है। देखिए, मैं फर्स्ट लेक्चर जो साइंस था, कंसेप्ट तो यही था लेकिन क्वेश्चन अलग था। तो देखिए, कंसेप्ट एक रहता है लेकिन क्वेश्चन हजार बन जाते हैं। तो कंसेप्ट एक बार यदि सीखे रहिएगा तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा तो आप इजीली बना सकते हैं। तो वहां पे कुछ अलग ढंग से पूछा गया था, लेकिन कंसेप्ट इसी से रिलेटेड था। वहां पे मैं भी आपको बता चुका था। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको सिंपली जूल में आपको कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका 1 यूनिट होता है वो जो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो आपकी यूनिट में होती है, और एक यूनिट जो होती है वो कितना होता है आपका 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। और ये 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, ये तो ये 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे 1 किलोवाट आवर को यदि आप चेंज करना चाहते हैं जूल में तो क्या कर सकते हैं, तो 5.4 × आप 3 × 6 × 10^6 जूल कर सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको मिला लीजिएगा, आपका राइट आंसर कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो होगा वो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। लेकिन इसमें देखिए दिक्कत क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आएगा, आपका 19.44 × 10^6 आएगा जूल, लेकिन यहाँ पे 10^5 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका ये 6 होगा। ठीक है, बाकी कंसेप्ट यही वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेम द ग्रुप एंड द पीरियड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच द कार्बन इज प्लेस्ड। देखिए, ये भी सिंपल कंसेप्ट है। आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, जब इसको आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो क्या होगा, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताया था कि ये जो सेल होते हैं वो क्या देते हैं, वो आपको आपका पीरियोडिक टेबल देते हैं, मतलब कि किस पीरियड का होगा वो ग्रुप, मतलब एलिमेंट वो देते हैं। यहाँ पे दो आपके क्या है, सेल हैं। ठीक है, के और एल दो सेल है, यानी कि पीरियड क्या होगा आपका, 2 होगा। यानी कि पीरियड देखिए यहाँ पे सेकेंड पीरियड, ये तो कंफर्म हो गया यहाँ से, क्योंकि 2 सेल है। अब बात किया जाए कि ये जो है किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे आप देखिए कितना है, 4 है, 10 + 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 14 होगा। तो ये किसका, किस ग्रुप का है, तो ये 14 ग्रुप का है। ये किस तरह से निकालते हैं हम आपको पहले वाले लेक्चर में भी बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी होगा। मैं बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो किस तरह से पीरियड और ग्रुप निकालते हैं वो आदि नहीं देखे हैं तो आप जाकर जो है फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें मैं अच्छी तरह से बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। देखिए, यहाँ पे जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन किसी ने भेजा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे एवरेज स्पीड है, ये सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। आप जानते हैं एवरेज स्पीड जो होगा वो आपका क्या होगा,
कि टोटल आपका जो है डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे बात किया जाए तो क्या हो गया 15, और यहाँ पे क्या है 25 है। और टाइम की बात किया जाए तो देखिए इसको कवर करने में 8 सेकेंड लग रहा है 15 मीटर को, और आपको जो है 25 मीटर को कवर करने में 12 सेकेंड लग रहा है, तो दोनों कितना हो जाएगा आपका 20 सेकेंड हो जाएगा। जब इसको आप कीजिएगा तो ये 40 बाई 20, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने भेजा था इसलिए मैंने ले लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है द लाइन दैट ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द कर्व सरफेस इज कॉल्ड। तो देखिए आप जानते हैं कि जो आपका मिरर होता है, ठीक है, तो आप देखे हैं कि ये सपोज हमने एक कनकेव मिरर लिया, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक, और ये आपका क्या होता है पोल होता है, और यहाँ पे जो है आपका ये सी से डिनोट किया जाता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो है पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल लाइन बोला जाता है, तो यही चीज आपसे पूछा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो दूरी होती है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच, तो इसको हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस बोलते हैं रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको आर से हम लोग शो करते हैं। और यहाँ पे ये जो होता है इसका फोकस होता है, ठीक है, और ये जो दूरी होती है पोल से और फोकस की जो कि स्मॉल एफ होती है जिसको कि हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस डिस्टेंस, और ये आर जो होता है वो क्या होता है 2 ऑफ एफ के बराबर होता है, ये चीज आपको मालूम होगा। बाकी इसका जो फार्मूला जो होता है मिरर के लिए 1/v+1/u/1/f होता है, तो ये सारे चीज जो है मिरर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे क्या पूछा गया था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखिए एसिड और बेस की प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका एसिड होता है वो आपका क्या करता है कि लिटमस जो आपका लिटमस पेपर होता है उसको वो रेड में चेंज करता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है, बेस जो होता है वो आपका वो जो आपका लिटमस पेपर होता है उसको वो आपका रेड से ब्लू में चेंज करता है, और एसिड क्या करता है, एसिड जो होता है आपका ब्लू टू रेड चेंज करता है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन जो दिया गया है ये एसिड में दिया गया है जो कि गलत है, बोला जा रहा है रेड को ये ब्लू में चेंज करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। इसके अलावा एसिड बेस के बारे में आपको बहुत सारे चीज जैसे कि पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, जैसे कि लेमन का पीएच वैल्यू होना चाहिए 2.4 होता है, बाकी मिल्क का जो होता है 6.6 होता है, तो पीएच वैल्यू भी आपको एसिड के बारे में मालूम होनी चाहिए। आपका जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। जितना आपका पीएच की वैल्यू आपका जितना ही कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिटी होता है, यानी कि एसिड की प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा होती है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे बोला जा रहा है पैसेंजर फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस अप्लाइज द ब्रेक टू स्टॉप एंड फॉल ब्रेक डाउन व्हेन इट एक्सीलरेट फ्रॉम द रेस्ट। तो सॉरी ये आपका बैकवर्ड है, तो ये सिंपल जो है आपका इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन होता है कि यदि मान लेते हैं कोई चीज रेस्ट में है और जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तो वो क्या होती है रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो यही चीज होता है कि जैसे ही यदि कोई गाड़ी खड़ी है और वो अपना जैसे ही चालू होती है तो क्या होता है कि बैकवर्ड पीछे की तरफ जो है आपको एक झटका लगता है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो इनर्शिया की वजह से होता है। इसी तरह आपका जैसे यदि गाड़ी वो रेस में है यानी कि मोशन में है, यदि तुरंत ही यदि ब्रेक लगाया जाता है तो आपका जो मतलब बॉडी होता है क्या होता है फॉरवर्ड की तरफ जो है झुक जाता है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो इनर्शिया की वजह से होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है ये, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन यही बताता है इनर्शिया के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनर्शिया हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड और थर्ड के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका सेकेंड होता है वो आपका मोमेंटम से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि फोर्स के बारे में बताता है आपका, वहां से आपका एफ इक्वल टू जो है एम ए आता है, ठीक है। और थर्ड लॉ जो होता है वो आपका
एक्शन टू रिएक्शन का होता है, ठीक है। हर एक बॉडी जो है, यदि आप किसी बॉडी पे अपना मतलब कि एक्शन करते हो तो उसके रिप्लाई में क्या होता है, रिएक्शन फोर्स लगता है, वो अपोजिट होता है, ठीक है, नेचर में अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये तीनों जो फोर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि रॉकेट जो प्रिंसिपल काम करता है वो किस प्रिंसिपल पे काम, न्यूटन के किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो थर्ड लॉ हो गया और फर्स्ट लॉ के ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे जो है आपको दिया गया है ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट सेम है बस क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे बोला जा रहा है सर्टेन हाउस होल्ड हैज द कंज्यूम 2.5 यूनिट ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग द मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। तो देखिए सिंपल ही यूनिट में दिया गया है, यूनिट मतलब देखिए मैंने बताया था एक यूनिट कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। अब इसको बस आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपका 3.6 × 10^6 जूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 882 × 10^6 जूल होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट सेम है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बोला जा रहा है द मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, इट्स एटॉमिक मास इज 14, द एटमोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन। तो देखिए आप तो एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका एटोमोसिटी जो होता है, एटोमिसिटी एक्चुअली होता क्या है कि यदि कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, ठीक, और भी सारे ऐसे एटम होते हैं जो कि फ्री कंडीशन में, फ्री अवस्था में जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स में क्या है कि हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाए, जो कि ये अपना फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं, ये अपना एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, ये अपना एक मॉलिक्यूल्स बनाया जिसमें कि क्लोरीन के दो एटम है। उसी तरह ये यहाँ पे नाइट्रोजन देखिएगा तो यहाँ पे भी क्या है कि ये अपना जो है दो एटम आपके नाइट्रोजन की मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, जो कि इसी कंडीशन में कहीं भी यदि एग्जिस्ट करेंगे किसी भी मैटर में तो ये इसी फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एटमोसिटी होता है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल्स बनता है वही उसकी एटमोसिटी कहलाती है। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 होगा, इसी तरह क्लोरीन की बात किया जाए तो एटमोसिटी इसकी 2 होगी, यदि हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इसकी भी जो एटोमिसिटी होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम जो होते हैं वो अपना फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन भी हो गया, ये भी जो होता है आपका, इसकी भी एटोमोसिटी की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बाय एग्जांपल आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली द मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो देखिए केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि ये किसकी परिभाषा या डिफिनेशन है, तो जानते हैं आप स्केलर जो होता है आपका वो क्या होता है, उस वाले में केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और आपका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्शन जो होता है ये क्या होता है, नहीं होता है। तो यही स्केलर क्वांटिटी सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए वेलोसिटी आप जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन में क्या होता है आपका, टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और आपका वेलोसिटी भी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये स्केलर होगा नहीं। फोर्स भी देखिए आपका एफ इक्वल टू एम में ए जो होता है ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की बात किया जाए तो पी इक्वल टू एम भी जो होता है ये आपका मोमेंटम, ये भी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क जो है ये क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, आपका डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे आप लिखते हैं तो 30 जूल लिखते हैं, ठीक है, या आप 120 जूल लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक है, ये पोटेंशियल भी क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। पावर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हो गया, ये भी क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारे एग्जांपल हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे जो दिया गया है आपका, बोला जा रहा है कि ये आपका जो है क्रूसिबल यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू हीट द सॉलिड एट द हाई टेम्परेचर इज मेड ऑफ। तो सिंपली आप लेबोरेटरी में यदि आप कभी गए हैं तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो है वहां पे ग्लास रखे रहते हैं, तो ये सारे जो क्रूसिबल होते हैं आपके, ये सिंपल एक टाइप के ग्लास होते हैं बेसिकली, तो ये किसके मिलकर, मतलब किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये जो बने होते हैं सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है विच एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म द अमोनिया। देखिए ये क्वेश्चन किसी दूसरे टाइप से अभी प्रीवियस में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट यही था। तो देखिए अमोनिया जो था, सिंपल अमोनिया का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, NH3। इसमें देखिएगा तो नाइट्रोजन के एक एटम है और हाइड्रोजन के क्या है, तीन एटम मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। एक अमोनियम होता है, NH4 होता है, ठीक है। तो ये अमोनिया और अमोनियम में जो है थोड़ा सा का अंतर है, ये आप देखिएगा। तो ये बेसिकली किसका, हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन का ये कंबाइंड फॉर्म होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन के तीन एटम मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पे बोला जा रहा है एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 286 है, इट बिलोंग टू। तो देखिए कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस अलग है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ग्रुप बताना है और आपका पीरियड बताना है। मैं बताया था आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस कंसेप्ट पे। तो देखिए यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि तीन सेल है आपका KLM, ठीक है। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि जो पीरियड होगा आपका वो पीरियड क्या होगा, 3 होगा। तो आप देख सकते हैं पीरियड जो है 3 किसमें है, एक ही में केवल पीरियड 3 है। इसके अलावा यदि आपको चाहिए कि ग्रुप भी पता करना है, तो देखिए इसका जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है, 6 है, प्लस 10 कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ये क्या देगा आपका, ग्रुप हो जाएगा। तो आप इजीली निकाल सकते हैं, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिंपल आपका फार्मूला दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स का, और इसमें जी पूछा जा रहा है कि जी क्या है। तो आप जानते हैं कि ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये, और जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, शायद 6.67 × 10⁻¹⁻ होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट के बाद वाले में हो सकता है इधर उधर। तो ये 6.6 × 10⁻¹⁻ होता है। बाकी इसका यूनिट चाहे तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए फोर्स का यूनिट आप यदि जानते हैं, ये आपका M1 M2 होता है अपॉन में R² होता है। तो इधर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और ये आपका m², और ये आपका क्या हो जाएगा, ये मास है, तो ये क्या हो जाएगा, kg². तो यही इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg², तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है कभी कभी, तो ये भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द बॉन्ड्स फॉर्म बाई द एलिमेंट हैविंग द लार्जर एटम्स। देखिए ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो आपके एटम लार्ज होते हैं और जो स्मॉल होते हैं उनके बीच जो आपका न्यूक्लियस फोर्स लगता है वो मतलब कि कब ज्यादा और कब कम होता है। सपोज मैं एक छोटा सा इनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ कार्बन का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आपका जो एटम है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ यदि बॉन्ड बनाता है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसी की वजह से बहुत सारा बॉन्ड ये बना पाता है। आप कार्बन चैप्टर में इसकी खासियत यदि देखिएगा तो ये एक उनमें से एक है कि ये जो है बहुत सारा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये इसलिए बनाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि मात्र इसका 2 ही सेल होता है। एटॉमिक साइज की बात किया जाए तो ये बहुत ही छोटा होता है। तो जो आपके एटम छोटे होते हैं तो उनके बीच जो ये फोर्स होता है वो क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो फोर्स होता है न्यूक्लियस फोर्स जो होता है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन को मतलब कि वो बैलेंस बना के रखता है ताकि उस ऑर्बिट में वो मूव कर सके, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यदि मैं लार्ज एटम की बात करता हूं, जैसे कि आप सोडियम का ही बात कर लीजिए एज कंपेयर, यहाँ पे तो जानते हैं कि 2, 8 और 1 होता है। तो जैसे जैसे ये एटम की साइज बढ़ता जाता है
तो इनके बीच की जो ये जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, आउटर मोस्ट सेल से और न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, वीक होता जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है। तो जो लार्ज आपके एटम रहेंगे उनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका जो बॉन्ड बनाएंगे वो वीक बॉन्ड बनाएंगे, और जो आपके स्मॉल साइज के होंगे एटम उनके बीच यदि किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम से यदि बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि परपोज दैट इच एलिमेंट हैड द कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। तो देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है एटॉमिक थ्योरी जो दिए हुए थे वो कौन दिए थे, तो डाल्टन दिए हुए थे। तो ये उसी थ्योरी में से एक उनका ही ये है कि जो आपका हर एक एलिमेंट होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एटॉमिक मास होती है। तो ये जो थ्योरी है सिंपल किसकी है, ये डाल्टन की थ्योरी है। तो ये एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन मेटल। देखिए, नॉन मेटल की यदि मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि नॉन मेटल जो है आपके ये लेफ्ट साइड में जो होते हैं, ये जैसे पीरियोडिक टेबल है ये, ठीक है, ये तो इधर वाले जो पोर्शन है आपका आप देखे होंगे, तो ये वाला जो पोर्शन होता है लेफ्ट वाला है, ये मैं इधर छोड़ दूं तो ये आपका तो मतलब डी वाला होता है। इधर जो पी वाले जो होते हैं, ये एस आपका होता है एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और बाकी एफ ब्लॉक जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, ये तो यदि मैं बात करता हूं कि इधर वाले जो होते हैं आपके, जो आपके पी ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है, तो उन जैसे कि आपको मैं बताया था कि फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। सेकेंड पीरियड में कितने होते हैं, एट होते हैं। थर्ड में एट, इसी तरह आपका एट, 18 18, और ये आपका 32 32 होता है। ठीक है, ये चीज हम आपको बताए हुए थे। सेकेंड यदि बात करते हैं, सेकेंड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ आपके एलिमेंट कितने होंगे, आठ होंगे। ये दो छोड़ दीजिए, ठीक है, यदि ये दो छोड़ दीजिए, जैसे कि आपका हाइड्रोजन ये तो यहाँ पे होता नहीं है, हीलियम यहाँ पे होता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिथियम होता है और आपका बेरिलियम होता है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो सिक्स बचे हुए हैं जो कि पी ग्रुप का होंगे, पी ब्लॉक के होंगे, ये सिक्स जो होंगे ये नॉन मेटल होते हैं। ये सिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरॉन आएगा, कार्बन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है, और नियोन आएगा। तो ये सारे क्या है, आपके नॉन मेटल हैं। तो ये टोटल जो है इस वाले में छह नॉन मेटल होते हैं और दो क्या होते हैं, आपके मेटल होते हैं, और सबसे ज्यादा इसी वाले ग्रुप में जो है आपको मिलेंगे नॉन मेटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये दो हो जाएगा। ठीक है, कि आपके पीरियड नंबर दो में सबसे ज्यादा नॉन मेटल है, और ये भी चीज आप याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, और ये जो मैं आपको बताया हूं इससे भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं, तो ये आपके कितने हैं, सिक्स हैं नॉन मेटल, और ये आपके पी ब्लॉक के हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका, इन लॉन्गिट्यूडिनल्स वेव द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो देखिए, जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल भी बहुत पूछा जाता है, तो जो हमारा साउंड वेव होता है वो क्या होता है, आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके मतलब कि वेव के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल मूव करते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल डायरेक्शन, यानी कि यदि वेव आपका इस तरह से प्रोपगेट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन, इसी के पैरेलल में क्या होगा, ये आपका इनके जो पार्टिकल होंगे आपके वेव के वो भी आपके मूव करते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होते हैं, पैरेलल होता है, और एक जो होता है आपका एक ट्रांसफर वो होता है, ट्रांसफर वेव होता है, तो उस वाले में क्या होता है कि प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, वो जो आपका होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो होते हैं साउंड के मूव करते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल में होता है आपका पैरेलल, यानी कि जो साउंड वेव के पार्टिकल्स होंगे उनका जो मोशन होगा, यानी कि उनका जो वाइब्रेशन होगा वो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा उसके पैरेलल ही होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन यदि ट्रांसफर वेव की बात करता हूं मैं, तो इनका जो साउंड जो आपके पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो आपके वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर। यदि मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आपका प्रोपोगेशन हो रहा है साउंड वेव का, तो इनका जो होगा, जो इनके पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये दो चीज आपको मालूम होनी चाहिए, और ये साउंड वेव कई बार पूछा गया है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल कौन है, तो साउंड वेव होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को
ट्रेवल करने के लिए क्या होती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये भी चीज आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये जो होता है आपका मतलब कि मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते, जैसे कि आपका लाइट, लाइट इसका एग्जांपल है, ईएम वेव इसका एग्जांपल है ट्रांसफर वेव का, बाकी लॉन्गिट्यूडनल वेव का आपका साउंड वेव एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल जो है आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि इज अ क्वांटिटी दैट डज नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द वेव, तो कौन जो क्वांटिटी है जो कि मतलब कि वेव की नेचर को नहीं डिस्क्राइब करता है। तो देखिए आपको मालूम है कि वेव में हम पढ़ते हैं v इक्वल टू एल लेमडा या v इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, यही जो आपके क्वांटिटी होते हैं जो वेव को डिस्क्राइब करते हैं, आप देखे होंगे। तो ये आपका क्या होगा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और आपका ये वेवलेंथ, तो आपका इस तीनों में से ये दिया हुआ है, कौन नहीं करता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, एल्टीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता है, एम्पलीट्यूड होता है लेकिन एल्टीट्यूड नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिएक्शन इन विच वन और मोर मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस आर एडेड अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड, तो देखिए कोई मॉलिक्यूल्स है या फिर कोई सब्सटेंस है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कोई यदि एटम जैसे कि यदि अटैच हो जाता है, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन कार्बन आपस में अटैच हो चुके हैं, तो इनको यदि पहले से कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल है एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडिशन रिएक्शन सिंपल बोलते हैं। इसमें कोई भी यदि ट्रिपल बॉन्ड या आपका डबल बॉन्ड आकर मतलब कि अटैच हो जाता है, तो ये सिंपली एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो सिमिलर ये भी वही होता है आपका एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज, तो देखिए हम वर्क के बारे में जब बताए हुए थे तो आपको वहां पे बहुत कुछ बताए हुए थे हम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कोई किसी भी बॉडी पे, ठीक है, वर्क तभी माना जाता है जब पहला नंबर की फोर्स उस पे एग्जिस्ट करे और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में क्या हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो माना जाएगा कि वर्क किया गया है किसी भी मतलब पर्सन द्वारा या किसी भी मशीन द्वारा। तो यहाँ पे देखिए आपका सिंपल पूछा जा रहा है कि मतलब कि वर्क डन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये आपका फोर्स होना चाहिए, ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है लेकिन फोर्स का होना जरूरी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है सिंपल वही वाला कंसेप्ट है जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री द वर्क डन। तो देखिए ये सपोज कि आपका ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सपोज इस डायरेक्शन में हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इस केस में क्या होगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ये कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। देखिए लीनियर मोमेंटम अभी मैं पीछे आपको बताया था, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है, ठीक है, तो ये आपका मास और आपका वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इसकी यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए केजी होता है मास का और वेलोसिटी का क्या होता है आप जानते हैं, मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिट हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी और आपका मोमेंटम में जो रिलेशन होता है, एक तो आपका 1/2 mv² होता है और इसी वाले से आता है आपका p² / 2m, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि डबल करने पे मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, या मास के ऊपर मतलब चेंज करने के बाद इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे, तो ये जो है मोमेंटम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपका कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको कराया यहाँ पे, देखिए कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझते चलिएगा तो आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आप इजीली कर सकते हैं, बस एक बार कंसेप्ट समझिए, और मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको कम टाइम में बहुत अच्छा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे बायोलॉजी का भी लेक्चर चालू हो चुका है, जनरल अवेयरनेस भी आपको जो है चालू होने वाला ही है बहुत जल्द ही, तो आप जो है मेरे चैनल के साथ मिलकर काम कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके हम लोग।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।